झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। खासकर अगर झारखंड की उपराजधानी दुमका की बात करें तो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मामला डेड बॉडी के अदला बदली का है। दरअसल कल सड़क दुर्घटना में दुधानी केवटपाड़ा के पूरन केवट की मौत हो गई। परिजन कल शाम हॉस्पिटल भी लेके आए थे लेकिन वो वापस घर लेकर चले गए। जब परिजन थाना को इसकी सूचना मिली तो थाना उसके घर पे पहुंचे और पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया। तो आज परिजन शव को लेकर दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे और पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया। शव का पोस्टमार्टम भी हुआ लेकिन जब शव परिजनों को देने की बारी आई तो शव की अदला बदली हो गई। परिजन भी यहाँ शव को देखे नहीं, वो घर लेकर चले गए और घर से अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट लेकर पहुँच गए। जब श्मशान घाट पर शव से प्लास्टिक को हटाया गया तो परिजन देखकर दंग रह गए कि यह तो उनके अपना परिजन का डेड बॉडी है ही नहीं। आनन फानन में परिजन फिर दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुँचे हैं और यहाँ पोस्टमार्टम हाउस के पास खड़े हैं और अपने परिजन के शव की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनके परिजन का शव कहाँ है अभी यह बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आए दिन कई पोस्टमार्टम होता है और अगर शव की अदला बदली हो गई होगी तो फिर उसका अंतिम संस्कार आखिर परिजन किस रूप में करेंगे, यह सबसे गंभीर समस्या है। परिजन इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना है परिजनों का पहले आप वो सुनिए। एक्सीडेंट हुआ है हम लोग का थी विजयपुर में। हम लोग मेरा सास फोन किया, हम लोग रात में आए। रात में आने के बाद यहाँ हॉस्पिटल से घर लेके चला गया था। घर लेने के बाद फिर हम लोग थाना आए, थाना में खबर दिए तो थाना वाला गया। उसके बाद जो लड़का के साथ में था उसको लेके आया यहाँ, पूछताछ किया, बोला सुबह ठीक है बॉडी तुम लेकर आना। बॉडी हम लोग यहाँ लाए पोस्टमार्टम ऑफिस में, वहाँ तक कागज फॉर्म वॉर्म सब कुछ भर दिया। उसके बाद यहाँ लाए, यहाँ लगभग हम लोग को लग गया कितना 3-4 घंटा। हमको 12 बजे बॉडी दिया यहाँ से घर लेके गए। घर लेके गए तुरंत वहाँ फिर उठा के चल दिए। फिर शमशान घाट पहुँचे हम लोग तो वहाँ उसको खोलते तो देखते मेरा बॉडी नहीं है। बढ़िया से देना चाहिए, मेरा बॉडी कुछ कर देगा उस सब, तो हम क्या कहाँ जा खोजेंगे। अभी उगला बॉडी यहाँ है कि लेकिन नहीं है, लेकिन चला गया। प्लस दारू पी के हंगामा, मतलब ऐसे करता है कि लाश चेंज हो गया। अब बताइए संथाल का लाश हम लोग लेके जाएंगे, दफनाएंगे कि उसे जलाएंगे। अब मेरा लाश कहाँ गया हम कोई पता, आप पता नहीं है, कुछ पता नहीं, पैसा भी ले लिया, पता नहीं चल रहा है। देखिए नहीं, कोई बोल रहा है कि शिकारी पड़ा गया, कोई बोलता है रामेश्वर गया है, और यहाँ से वो भी चला। हाँ पता, अब आने के बाद ही पता चलेगा कि लाश हम लोग का है या नहीं है। अभी गारंटी नहीं है लाश का कि कहाँ है, नहीं है, कोई पता नहीं है लाश का। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग लाश को हम लोग दे दिया जाए, और जो लाश हम लोग लेके गए उनको आप जिनको सौंपना सौंप दीजिए, बस हम लोग अंतिम संस्कार कर देंगे और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। तो उपराजधानी का दर्जा भले ही मिल गया हो और कहने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से यहाँ फूलो झानो मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई है, लेकिन जो कार्यशैली में सुधार होनी चाहिए वह कहीं दिखते नजर नहीं आ रहा है। जरूरत है कार्यशैली में सुधार लाने की। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।